नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और यूपी पुलिस ने मिलकर अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चला है उसके डर से आज सभी इधर उधर भागते हुए घूम रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस भी कहां मानने वालों में से है, तो वो भी हाथ धोकर सूबे के वांटेड बदमाश और कुख्यात अपराधियों के पीछे पड़ी हुई है, जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई नामी बदमाश का यूपी पुलिस से पाला पड़ ही जाता है, जो या तो खुद सरेंडर कर देता है या फिर यूपी पुलिस की गोली का शिकार बन जाता है। इस बीच एक ताजा मामला मेरठ से सामने आया है, जहां पर यूपी पुलिस ने लाखों के इनामी बदमाश को धर दबोच लिया। बता दें कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने खुद को घिरता देख एसटीएफ के जवानों पर पिस्टल से फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एसटीएफ ने भी गोलियां चलाई और उसमें बदमाश घायल हो गया। उसके पैर में गोली लग गई थी और गोली लगने से वो वहीं पर गिर गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पकड़े जाने के बाद जो पता चला वो हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि जिस कुख्यात को एसटीएफ ने पकड़ा है उस पर 1 लाख का इनाम घोषित है और वो एक कुख्यात डकैत था जिसकी यूपी पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। मामले की जानकारी देते हुए एसटीएफ मेरठ के डीएसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर के कोतवाली में 2017 में बदमाशों ने 20 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया था। डकैती की इस घटना में मेरठ के सरधना के रहने वाले आशु उर्फ लंबू उर्फ खालिद, जिसकी उम्र 47 साल है, वो फरार चल रहा था। इसी के साथ आपको बता दें कि आशु पर मुजफ्फरनगर के एएसएसपी ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में लंबे समय से लगी हुई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो अपराधी इतने वक्त से फरार था उसे पकड़ा कैसे गया, तो सुनिए। मुजफ्फरनगर के बड़ाना इलाके में 13 अगस्त की सुबह 5 बजे एसटीएफ को मेरठ से सूचना मिली कि आशु अपने अन्य साथियों के साथ बुड़ाना इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद बुड़ाना के बाहर जब एसटीएफ ने संदिग्ध बाइक सवार को रोकने के लिए इशारा किया तो वो बाइक छोड़कर गन्ने के खेतों की तरफ भागने लगे। उसने एसटीएफ की टीम पर पिस्टल भी तान दी और गोलियां बारी भी की, जिसके बाद एसटीएफ ने उसका एनकाउंटर कर गोलियां मारी और घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल ले गई और वहां पर उसको भर्ती भी कराया गया और उसे इलाज के बाद डिस्चार्ज करवाकर उसको जेल भी भेजा जाएगा। आपको बता दें कि आशु सिर्फ एक डकैत नहीं बल्कि हथियारों का सप्लायर भी रहा है। मुठभेड़ की घटना के बाद एसटीएफ ने उसके पास से एक अवैध पिस्टल बरामद की है। उसके पास से एक बाइक भी मिली है जो चोरी की बताई जा रही है। पिस्टल के बारे में बताया गया कि उसने उसे बिहार के मुंगेर से खरीदा था और बिहार के मुंगेर से वो कपड़ों में छिपाकर पिस्टल मुजफ्फरनगर, मेरठ और अन्य जिलों में ले जाकर अवैध तरीके से बेचता था। अब जिस तरह से यूपी पुलिस लगातार अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, उससे तो लगने लगा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त राज्य बन जाएगा। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।